का सबसे बड़ा रियलिटी शो जिसे होस्ट करते हैं बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान, बिग बॉस में लड़ाई झगड़ा ड्रामा और उसके साथ साथ रोमांस भी खूब देखने को मिलता है। हर सीजन में कोई ना कोई एक दूसरे के करीब आ जाता है और दिल मिल जाते हैं। शाहरुख की वो फिल्म याद है रब ने बना दी जोड़ी, बस ऐसा ही है, लेकिन यहाँ तो बिग बॉस ने बना दी जोड़ी। नंबर वन, सिद्धार्थ एंड शहनाज, दोनों ने शो में जबरदस्त बॉन्ड शेयर किया। दोस्ती कह लो या प्यार, शहनाज के लिए क्या है सिद्धार्थ आज पूरी दुनिया ही जानती है। शहनाज ने सिद्धार्थ से कह दिया था शो के दौरान, तू मेरा है, लेकिन किस्मत को जैसे कुछ और ही मंजूर था। अचानक सिद्धार्थ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों के फैंस ने उन्हें एक हैशटैग भी दिया, सिद्धनाज। नंबर टू, तेजस्वी एंड करण। हैशटैग तेजरन से फेमस तेजस्वी और करण का ये रिश्ता 4 महीनों में कायम हुआ। दोनों करीब आए और कैमरे पर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बयान कर दी। आज जहां लड्डू वहीं सनी, दोनों ने मिलकर दुबई में अपने सपनों का महल भी ले लिया है। नंबर थ्री, प्रिंस एंड युविका, जो अब शादीशुदा है एंड मैडली इन लव है। बिग बॉस के दौरान मिले प्रिंस ने सिर्फ वो सीजन ही नहीं जीता बल्कि युविका को भी जीत लिया। प्रिंस ने शो के दौरान ही एक पराठे पर दिल बनाकर युविका को प्रपोज किया था। नंबर फोर, जैस्मिन और अली, बिग बॉस की वो लव स्टोरी जिसके चक्कर में सलमान खान भी इमोशनल हो गए थे। दोनों खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में मिले थे। दोनों की दोस्ती भी इसी शो से शुरू हुई थी। एक इंटरव्यू में जैस्मिन ने ये खुलासा किया था कि डेटिंग करने से 3 साल पहले दोनों दोस्त थे, लेकिन जैस्मिन के दिल में अली के लिए फीलिंग्स थी। नंबर 5, पवित्रा एंड एजाज, कभी प्यार कभी टकरार वाली ये जोड़ी बिग बॉस के घर में ही बनी और इसे दर्शकों ने खूब पसंद भी किया। एजाज ने पवित्रा के शो से बाहर निकलते ही उनके लिए अपने प्यार का एहसास किया और जब वो एजाज से मिलने घर आई तो दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल किया। नंबर 6, आसिम एंड हिमांशी, दोनों पहली बार बिग बॉस में मिले। हिमांशी को देखते ही आसिम को लव एट फर्स्ट साइट हो गया। आसिम ने बिना देरी किए ही हिमांशी को शो में ही प्रपोज कर दिया, जबकि उन्हें ये पता था कि हिमांशी ऑलरेडी इंगेज्ड है। हिमांशी ने भी शो से बाहर निकलते ही अपनी सगाई तोड़ी और वापस आकर आसिम के प्यार को अपना लिया।